तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीडूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहां पे आखिरकार इंग्लैंड ने सीरीज में कम बैक किया और वेस्ट इंडीज को लास्ट गेम में हराकर वापसी की, जहां पे दोस्तों 23 के टारगेट को इंग्लैंड ने 7 विकेट रहते हुए चेस कर लिया। तो बात करते हैं मैच नंबर 4 जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच में। यह मैच 20 दिसंबर को ब्रियम लारा स्टेडियम ट्रिनिडैड में होगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ का पिच में नमी रह सकती है, जिसके चलते स्विंग्स बॉलरों को यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलेगा, स्पिनरों को यहाँ पे कम हेल्प मिलेगा। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करना है, टोटल T20 मैच 27 खेले हैं, जहाँ पे इंग्लैंड 11 मैच जीत के आ रही है, तो वेस्ट इंडीज 16 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं इंग्लैंड का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो टीम की बैटिंग लास्ट मैच में पावर दिखा दी। वहीं अगर ओपनर की बात करें तो जहां फिलिप शॉर्ट थे और जॉस बटलर ने लास्ट गेम में जबरदस्त स्टार्ट की थी, बटलर ने 51 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं टीम के हीरो रहे फिलिप शॉर्ट, जिन्होंने 56 बॉल में 109 रन बनाकर आउट हो गए थे और टारगेट भी चेस कर लिया था। मिडिल ऑर्डर में विल जैक फ्लॉप चल रहे हैं। ऑलराउंडर जहां पे सैम ग्रैम टीम की स्ट्रेंथ है, लोअर मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक एंड लाइम लिविंगस्टोन टीम के प्लस पॉइंट है। दोनों ने मैच फिनिश किया था, ब्रूक ने 7 बॉल में 31 रन बनाए थे। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में महंगी रही थी, जहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर क्रिक वॉक्स और रेहान अहमद लास्ट गेम में प्लेइंग 11 से बाहर थे। जगह बॉलिंग में गस अटिक्सन, ऋषि टॉपली को चांस मिला था। टाइम मिल्स फ्लॉप चल रहे हैं, हर मैच में बहुत रन दे रहे हैं, 3 मैच में उन्हें बस 2 विकेट मिला। टीम जहां पे 3 स्पिनर बॉलर के साथ खेल रही है, जिसमें मोइन अली हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट लिए थे, यहां उन्हें लीड करना होगा। आदिल रसेल अब तक सबसे बेस्ट बॉलर है, सीरीज में उनके नाम 6 विकेट है। सैम करन लगातार टीम के लिए इफेक्टिव है। वहीं अगर की प्लेयर की बात किया जाए तो जहां पे फिलिप सॉल्ट है, सैम करन है और हैरी ब्रूक है। अगर बात करते हैं दूसरी टीम वेस्ट इंडीज का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो लगातार 2 मैच जीतने के बाद वेस्ट इंडीज पहली बार हार मिली। बैटिंग में टीम ने बेस्ट दिया लेकिन बॉलिंग चूक गई, फिर भी उन्हें कमजोर ना समझा। इस वक्त वेस्ट इंडीज टीम एक ओवर खेल रही है और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। टीम के लिए ओपनर जहां पे ब्रैंडन किंग है और काइल मार्श जरूर फ्लॉप थे। नंबर 3 पे निकोलस फ्रोन ने तहलका मचा दिया, जिन्होंने 45 बॉल में 82 रन मारे थे। नंबर 4 पे वाइस कैप्टन साई हो पे, उन्हें भी T20 में रन मारना होगा। हेटमायर खराब परफॉर्मेंस के चलते लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिए गए थे। टीम के कैप्टन जहां पर रोमन पॉल गजब के फॉर्म में है, 3 मैच में अब तक उन्होंने 120 रन बनाया। जहां पे एंड्रे रसेल टीम के एक्स फैक्टर है, लेकिन बैटिंग वो फ्लॉप चल रहे हैं। सरफन रदरफोर्ड भी हार्ड हिटिंग बैटर है, लास्ट गेम में टीम की बॉलिंग फ्लॉप थी, सभी बॉलर्स मांगे रहे थे। ऑलराउंडर की बात करें तो जहां पे जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट लिया था। अकील होसन टीम के मेन बॉलर है, उन्होंने अब तक 3 विकेट लिए हैं। वहीं अगर एक्सपीरियंस बॉलर की बात करें तो जहां पे अल्जारी जोसफ है, टीम के लीडिंग विकेट टेकर है, 3 मैच में 6 विकेट लिए थे। अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देखें जहां पे गुडा केस मोटी लास्ट गेम में चांस मिला था, उन्होंने 1 विकेट लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं की प्लेयर देखते हैं वेस्ट इंडीज का, जहां पे एंड्रे रसेल है, ब्रैंडन किम और निकोलस पुरन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर इंग्लैंड होगा, क्योंकि इंग्लैंड पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस की, उम्मीद है कि यह मैच भी जीते, यहाँ पे वेस्ट इंडीज को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।